नमस्ते मेरे सारे व्यूअर्स को, बहुत दिनों के बाद एपिसोड 11th में आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं आपसे शेयर करता हूँ कंज्यूमर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नए न्यूज और इवेंट्स एक बाइट साइज्ड पैकेज में। वीडियो कैटेगरीज में डिवाइडेड है स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और मिसलेनियस कैटेगरी, जिसमें वेरेबल्स, कॉन्सोल्स, एप्स और रूमर्स जैसे टॉपिक्स रहेंगे। शुरुआत करते हैं स्मार्टफोन कैटेगरी से। पोको का इंडियन मार्केट में सबसे पहला 5G फोन पोको M3 Pro लॉन्च हो गया है। MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर, 6.53 इंच फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज IPS LCD स्क्रीन, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप और तीन स्ट्राइकिंग कलर्स इंक्लूडिंग पोको येलो में अवेलेबल है। बड़ी 5000 mAh की बैटरी और 18 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। 4+64GB कॉम्बो 14,000 और 4+128GB कॉम्बो 16,000 का अवेलेबल होगा 14 जून से। देखा जाए तो इंडिया का चीपेस्ट 5G फोन है ये। आईकू ने इंडिया में अपना सबसे सस्ता और पहला मिड रेंज फोन और इंडिया का पहला फोन स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर के साथ आईकू Z3 लॉन्च कर दिया है। 6.58 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और HDR10 सर्टिफिकेशन के साथ आती है। स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसिंग ड्यूटी संभालता है और फोन तीन रैम स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशंस में अवेलेबल है। कैमरा डिपार्टमेंट में 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलेगा। 4400 mAh की बैटरी है और 55 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। प्राइसिंग स्टार्ट होती है 19,990 फॉर 6+128GB वर्जन, 20,990 फॉर 8GB+128GB वर्जन और 22,990 फॉर 8GB+256GB वर्जन और Amazon पर अवेलेबल है परचेज के लिए। Samsung के इस साल के फ्लैगशिप फोन्स Z Fold 3 और Z Flip 3 अपने प्रीडिसेसर्स से चीप रहेंगे। सैम मोबाइल की तरफ से ये अपडेट आया है कि ये दोनों फोन्स अप टू 20% चीपर रहेंगे लास्ट जन के कंपैरिजन में। फॉर एग्जाम्पल Z Fold 2 जो अराउंड $2,000 अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख का था, वो इस साल $1,600 अराउंड 1.20 लाख का हो सकता है और Z Flip 2 जो अराउंड $1,400 अप्रोक्सीमेट 1.2 लाख का लॉन्च हुआ था, वो इस साल अराउंड $1,200 अप्रोक्सीमेट 90,000 का लॉन्च हो सकता है। ये मूव से सैमसंग के अल्ट्रा प्रीमियम फोल्डेबल डिवाइसेस मेन स्ट्रीम फ्लैगशिप के टेरिटरी में आएंगे और पहले से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। OnePlus ने अल्ट्रा पॉपुलर Nord का चीपर कजन Nord Core Edition इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। Core Edition ओरिजिनल Nord के कोर फीचर्स लाता है बट एट अ चीपर प्राइस। फोन में आपको 6.43 इंच फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले मिलेगी और प्रोसेसिंग ड्यूटीज मिड रेंज स्नैपड्रैगन 750G संभालेगा। कैमरा डिपार्टमेंट में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मिलेंगे। OG Nord से बड़ी 4500 mAh की बैटरी है और 30 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। Android 11 बेस्ड ऑक्सीजन OS 11 यूजर इंटरफेस मिलेगा और 2 साल के Android अपग्रेड्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे। OnePlus क्लेम कर रहा है कि ये फोन उनका स्लिमेस्ट फोन है आफ्टर OnePlus 6T एट 7.9 mm थिकनेस और साथ ही हेडफोन जैक भी मिल रहा है। 6GB प्लस 128GB कॉम्बो का प्राइस 22,999 है, 8GB प्लस 128GB कॉम्बो का प्राइस 24,999 है और लास्टली 12GB प्लस 256GB का प्राइस 2799 है। फटाफट से घुसते हैं कंप्यूटर कैटेगरी में। लेटेस्ट स्टीम हार्डवेयर सर्वे में रिवील हुआ है कि AMD ने गेमिंग मार्केट में 30% शेयर ले लिया है इंटेल से। एग्जैक्ट मॉडल्स नहीं पता चल पाए हैं बट इतना जरूर पता चला है कि 8 कोर प्रोसेसर्स आर लीडिंग द बूस्ट। AMD का राइज रेगुलर विंडोज डेस्कटॉप सेटअप्स में भी अच्छा प्रोजेक्ट हुआ है, जहां पासमार्क बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म ने शेयर किया है विंडोज डेस्कटॉप्स में AMD 50.8% शेयर के साथ लीड कर रहा है विद इंटेल एट 49.2%। Ryzen 5000 सीरीज प्रोसेसर्स के लॉन्च ने पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था और अगर ग्लोबल चिप शॉर्टेज नहीं होती तो ये मार्केट शेयर्स और ऊपर देखने को मिलते। अडोबी के इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन और लाइटरूम क्लासिक एप्स अब M1 बेस्ड macOS डिवाइसेस पर नेटिवली रन करेंगे। अडोबी ने क्रिएटिव क्लाउड के ये एप्स के कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ अपडेट्स रिलीज किए हैं, जिसमें से सबसे सिग्निफिकेंट है एप्पल M1 सिलिकॉन सपोर्ट, जो अडोबी क्लेम कर रहा है इनॉर्मस परफॉर्मेंस गेन्स और एफिशिएंसी।
अगर आप क्रिएटिव क्लाउड यूजर हैं तो आज ही अपडेट करें इन ऐप्स को। रियलमी की तरफ से कुछ लीक्स और अपडेट्स सुनने में आए हैं। रियलमी इंडिया के सीईओ माधव शेठ ने दो टीजर्स शेयर किए हैं ट्विटर पर। एक में उन्होंने पेपर बैग में सिल्वर फिनिश का लैपटॉप टीज किया है और साथ ही 0 और 1 का सीक्रेट कोड शेयर किया है जो डिकोड करने पर हेलो वर्ल्ड डिपिक्ट करता है। दूसरे ट्वीट में रियलमी GT स्मार्टफोन को टीज किया है। साथ ही अगर आप ध्यान से देखें इमेज को तो T में आपको लैपटॉप विद IO पोर्ट्स दिखेंगे और एक टैबलेट दिखेगा। फिर फ्रांसिस वॉन्ग CMO रियलमी इंडिया एंड यूरोप ने ट्विटर पर पोल में पूछा है कि रियलमी टैब या पैड में से क्या पिक करेंगे आप। ये सभी टीजर्स रियलमी के IoT प्रोडक्ट्स की सब्सिडरी डीजो ब्रांड के अंडर प्लेस होंगे। HP इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जो बता रही है इंडियंस PC गेमिंग को प्रेफर करते हैं रादर देन मोबाइल गेमिंग। 1500 रिस्पोंडेंट्स में से 89% का ये कहना है PC गेमिंग में बेटर एक्सपीरियंस है और ज़्यादा सोशलाइज कर सकते हैं और बहुत से दूसरे टास्क भी इजीली कर सकते हैं एक PC पर। और फीमेल्स रिस्पोंडेंट्स में से 84% गेमिंग को एज अ करियर भी चूज करना प्रेफर करेंगी। गेमिंग के साथ रिस्पोंडेंट्स PCs को एज एंटरटेनमेंट डिवाइसेस, वीडियो एंड फोटो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन वर्कफ्लोज में भी यूटिलाइज कर रहे हैं। और आखिरी में Asus ने इंडिया में कुछ नए गेमिंग लैपटॉप्स लॉन्च किए हैं जो पावर्ड हैं इंटेल के नए 11th जेन कोर H45 प्रोसेसर्स और NVIDIA के लेटेस्ट एंट्री लेवल RTX 3050 सीरीज GPUs के साथ। Asus TUF F15 में आपको 15.6 इंच फुल HD अप टू 240Hz रिफ्रेश रेट और 3ms रिस्पांस टाइम स्पेक्ड डिस्प्ले, इंटेल i5-11400H, i7-11800H और i9-11900H प्रोसेसर्स के ऑप्शंस, NVIDIA RTX 3050 4GB, RTX 3050 Ti 4GB और RTX 3060 6GB GPUs के ऑप्शंस मिलेंगे। अप टू 16GB 3200MHz RAM और अप टू 1TB PCIe NVMe SSDs मिलेंगी। बाकी के स्पेक्स आपके स्क्रीन पर हैं। Asus TUF F17 में 17.3 इंच फुल HD 144Hz रिफ्रेश रेट स्पेक्ड डिस्प्ले, इंटेल i5-11400H और i7-11800H प्रोसेसर्स के ऑप्शंस, NVIDIA RTX 3050 4GB और RTX 3050 Ti 4GB GPUs के ऑप्शन मिलेंगे। इसमें भी अप टू 16GB 3200MHz RAM और अप टू 1TB PCIe NVMe SSD का सपोर्ट है। बाकी के स्पेक्स आपके स्क्रीन पर हैं। Zephyrus M16 में 16 इंच IPS 16:10 एस्पेक्ट रेशो में 1920x1200 रेजोल्यूशन, 144Hz 3ms रिस्पांस टाइम या 2560x1600 रेजोल्यूशन 165Hz 3ms रिस्पांस टाइम कलर एक्यूरेट डिस्प्ले ऑप्शंस मिलेंगे। इंटेल कोर i7-11800H और i9-11900H प्रोसेसर्स और NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, RTX 3060 6GB या RTX 3070 8GB GPUs के ऑप्शन मिलेंगे। 16GB सोल्डर्ड रैम के साथ अप टू 32GB तक एक्सपेंडेबिलिटी और अप टू 2TB PCIe NVMe SSDs के ऑप्शन मिलेंगे। बाकी के स्पेक्स आपके स्क्रीन पर हैं। और आखिरी में Zephyrus S17 में 17.3 इंच या तो 4K 120Hz 3ms रिस्पांस टाइम या 2K 165Hz 3ms रिस्पांस टाइम कलर एक्यूरेट डिस्प्ले के ऑप्शंस, इंटेल का कोर i9-11900H प्रोसेसर और NVIDIA का फ्लैगशिप मोबाइल GPU RTX 3080 16GB वेरिएंट मिलेगा। 16GB सोल्डर्ड रैम के साथ एक्सपेंडेबिलिटी अप टू 48GB और अप टू 2TB NVMe PCIe SSDs का सपोर्ट मिलता है। बाकी के स्पेक्स आपके स्क्रीन पर हैं। Asus TUF F15 का प्राइस स्टार्ट होता है 1,04,990 से, TUF F17 का प्राइस स्टार्ट होता है 92,990 से, Zephyrus M16 का प्राइस स्टार्ट होता है 1,44,990 से और फ्लैगशिप S17 का प्राइस है 2,99,990। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो फटाफट से लाइक कर दो यार, साथ ही नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को भी दबा दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन। चलते हैं लास्ट मिसलेनियस कैटेगरी की तरफ। सैमसंग एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने स्ट्रेचेबल OLED स्किन पैच का वर्किंग प्रोटोटाइप शोकेस किया है जो फिटनेस ट्रैकर जैसे काम करता है। ये OLED पैच रिस्ट पर अटैच हो सकता है और इंटीग्रेट करता है PPG सेंसर जो हार्ट रेट को ट्रैक कर सकता है। सैमसंग ने यूज किया है एक पॉलीमर कंपाउंड विद हाई इलास्टिसिटी
और टेस्टिंग में 1000 स्ट्रेचेस के दौरान ये स्ट्रेचेबल ओलेड स्किन पैच अप टू 30% तक स्किन इलॉन्गेशन को झेल सकता है। फ्यूचर में ये टेक एंड यूजर को किस फॉर्म में मिलता है, इसका हमें वेट रहेगा। सोनी ने अपने TWS लाइनअप के बिलविड और फ्लैगशिप मॉडल का रिवैम्प वर्जन WF1000XM4 लॉन्च कर दिया है। ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में सोनी ने इसमें इम्प्रूवमेंट किए हैं, जैसे सोनी V1 चिप, बेटर कंस्ट्रक्शन, बेटर ऑडियो क्वालिटी और इम्प्रूव, या मैं कहूँ क्लास लीडिंग एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। ये वर्ल्ड का पहला TWS ईयरफोन है जो हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करता है ओवर LDAC और साथ ही 360 डिग्री रियलिटी ऑडियो भी सपोर्ट करता है। पावरफुल V1 प्रोसेसर पहले से ज्यादा कैपेबल है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में और एक नया विंड रिडक्शन फीचर भी ऐड हुआ है। ईयर टिप्स अब PU फोम से बने हैं जो पैसिवली नॉइस को काफी अच्छा आइसोलेट करती है। बीम फॉर्मिंग माइक्स और बोन कंडक्टिंग सेंसर है जो वॉइस क्लैरिटी को और बढ़ाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो इन TWS ईयरफोन्स को मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट बनाती है। बैटरी लाइफ भी विद ANC एंड विदाउट ANC भी इंक्रीज हो गई है और साथ ही प्राइसिंग भी। WF1000XM4 का प्राइस $280 अप्रोक्सीमेट 21,000 का है। इंडिया में ये ईयरफोन्स कब लॉन्च होंगे और क्या प्राइसिंग होगी, इसका वेट करना होगा। ऑनर ने बहुत टाइम के बाद इंडिया में उनका स्मार्ट बैंड लॉन्च कर दिया है, ऑनर बैंड 6। कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। 1.47 इंच की बड़ी एमोलेड डिस्प्ले, 24-hour हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग और स्लीप मॉनिटरिंग, 10 डेडिकेटेड वर्कआउट मोड्स और ऑटो डिटेक्शन मोड, 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस और बड़ी 180mAh की बैटरी जो अप टू 14 दिन तक बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकती है। इनकमिंग मैसेजेस, डेली एजेंडा, म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल्स, रिमोट कैमरा शटर और फाइंड माई फोन जैसे कुछ और फीचर्स भी हैं। 3 कलर्स में ये बैंड आता है और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है 3999 का। PlayStation 5 रीस्टॉक इश्यूज के बीच एक दिक्कत सुनने में आ रही है। कुछ IGN इंडिया के रीडर्स ने शेयर किया है फ्लिपकार्ट पर उनके PlayStation 5 के ऑर्डर्स शिपमेंट के बीच में ही कैंसिल हो जा रहे हैं और कुछ के ऑर्डर्स एक महीने बाद तक भी नहीं शिप हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट का कहना है कि पैंडेमिक और रिस्ट्रिक्शंस के चलते शिपमेंट्स में डिले हो रहा है। होपफुली इस साल के लास्ट क्वार्टर या नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इन रिस्ट्रिक्शंस और शॉर्टेजेस को हम बाय बाय कह सकेंगे। और आखिरी में OnePlus Nord CE के साथ OnePlus ने अफोर्डेबल 4K TV लाइनअप भी लॉन्च किया है। OnePlus U1S सीरीज 3 साइजेस में अवेलेबल है, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंचेस। तीनों ही 4K रेजोल्यूशन LED पैनल के साथ आते हैं, मोर देन 95% स्क्रीन टू बॉडी रेशो, 93% DCI-P3 कलर गैमेट और 10-bit कलर डेप्थ सपोर्टेड है। साथ ही HDR10, HDR10 प्लस और HLG फॉर्मेट्स भी सपोर्ट करते हैं और कुछ OnePlus के खुद के ऑप्टिमाइजेशंस हैं जो पिक्चर क्लैरिटी को इम्प्रूव और इमर्सिव बनाते हैं। हैंड्स फ्री और रिमोट फ्री वॉइस कंट्रोल है और गूगल असिस्टेंट का इंटीग्रेशन है। OnePlus वॉच बर्ड्स और बर्ड जी को कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही OnePlus वॉच से प्लेबैक और वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5 लो एनर्जी का सपोर्ट है, 2GB रैम और 16GB इनबिल्ट स्टोरेज है और 30W डाइन ऑडियो ट्यून्ड स्पीकर्स हैं जो DTS HD और डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करते हैं। 50 इंच का प्राइस 39,999 है, 55 इंच का प्राइस 47,999 है और 65 इंच का प्राइस 62,999 है और फ्लिपकार्ट, Amazon और OnePlus की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसी के साथ एपिसोड 11 यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले लाइक करते जाना और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना यार, सब फ्री है, किसी के कोई पैसे नहीं लगने। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट्स के साथ।